प्लीज राखी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, माँ पापा को लेकर कल अपने भैया की शादी पर आ जाओ प्लीज। तुम अच्छी तरह से जानती हो साची कि विवेक भैया की शादी में हमारे ना आने का रीजन सिर्फ तुम हो। भैया को तुमने अपनी तरफ कर लिया, ना जाने क्या क्या भर दिया होगा उनके दिल में, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारा ही कहना मानते हैं। सबको छोड़ दिया उन्होंने सिर्फ तुम्हारे कारण। राखी, अपने घर में विवेक जी से सबसे ज्यादा क्लोज तुम ही हो, तुम ही हो जो उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझती हो। सो डू यू रियली थिंक कि विवेक जी को कोई भी बहला फुसला करके अपनी साइड कर सकता है? नहीं राखी, माना कि विवेक जी बहुत इमोशनल हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत सेंसिबल भी हैं। वो कोई भी डिसीजन इमोशनल होकर नहीं ले सकते, क्या करना है और क्या नहीं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और मुझे ये सब कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद ये बात जानती हो। आज मेरी मेहंदी और संगीत है, मेरे साथ तो मेरी पूरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन विवेक जी वो आज बिल्कुल अकेले हैं। इस मौके पर तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था ना। आखिर अपने भैया की शादी के लिए कितने प्लान्स बनाए थे तुमने? How do you know this? विवेक जी नहीं बताया ना, उन्हें सब कुछ याद है राखी। तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारी मॉम के प्लान्स, अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देखने की उनकी इच्छा, और तुम्हारे पापा घर की पहली शादी पर ग्रैंड पार्टी देना चाहते थे, है ना? सब कुछ याद है विवेक जी को, कुछ नहीं भूले वो। और भूलते भी कैसे, वो अपनी फैमिली से इतना प्यार जो करते हैं। ट्रस्ट मी राखी, विवेक जी जरा भी नहीं बदले हैं, वो जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। बहुत प्यार करते हैं वो अपनी फैमिली से, अपनी बहन से, और बहुत मिस भी करते हैं। देखो राखी, मेहंदी और संगीत ना सही, लेकिन एटलीस्ट अपने भैया की शादी पर तो आ जाओ। और किसी के लिए नहीं, अपने भैया की खुशियों के लिए। तुम जानती हो ना, तुम्हें देखकर वो कितने खुश होंगे। इससे बड़ा और प्राइसलेस गिफ्ट उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। प्लीज मेरी बात मान जाओ राखी, तुम्हारे भैया की जिंदगी का इतना खास दिन है, लेकिन फैमिली के बिना उनकी हर खुशी अधूरी रह जाएगी। प्लीज राखी। मेरा दिल नहीं माना भाभी, सोचा एक आखिरी कोशिश और कर लूं। मैं समझ सकती हूं, और सच कहूं साची, मुझे बहुत नाज हो रहा है तुम पर। साची की फ्रेंड, लेकिन आज मैं दूल्हे की तरफ से आई हूँ। इसीलिए तो आगे बढ़कर सबने तुम्हारा स्वागत किया है। आइए। मेरी साची बुआ की शादी है ना, तो हमारी फैमिली उनको एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती है। हमारी फैमिली साची बुआ के लिए गाना गाएगी और डांस भी करेगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो मुझे वेरी गुड कहना, अगर अच्छा नहीं लगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब बड़े लोग अच्छे से डांस नहीं करेंगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। Naughty boy. हमारी साची जिंदगी की सारी परेशानियों को भूलकर खुलकर जिंदगी जी, और आज उस घड़ी की शुरुआत हो गई। कितनी खुशी की बात है ना। राखी, तू
मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे अपने बच्चे हमसे बगावत में उतार आए। जरूर हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, इसकी वजह से हमारे तीनों बच्चे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ओम, मैं किसी की साई लेने वाली बात नहीं कर रही हूँ। भाई की शादी है, हम लोगों को वहां भी डेफिनेटली जाना चाहिए। मैं वहां नहीं जाऊंगी राखी। क्यों? आप लोग भूल गए, हम सब मिलकर इस दिन के लिए प्लान बनाते थे, आधी आधी रात तक डिस्कस करते थे कि जिस दिन भैया इस शादी के लिए हाँ करेंगे वो दिन कितनी खुशी का दिन होगा। ग्रैंड वेडिंग, रिसेप्शन, आपको याद है मैं क्या कहती थी? कि भैया की बारात जाएगी तो हेलीकॉप्टर से जाएगी, पूरा शहर देखता रह जाएगा, इतनी शानदार शादी होगी। आपको कुछ याद नहीं है मॉम? बोलिए ना राखी, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन डैड, बस इनफ। बीते दिनों की यादों के सारे हम नहीं जी सकते, बहुत वक्त बर्बाद कर लिया, अब और नहीं। अगर सामने वाले को हमारी फिक्र नहीं है तो हम उसके लिए क्यों दुखी हैं? आज के बाद इस घर में विवेक का नाम भी नहीं लिया जाएगा, वो हमारा कुछ नहीं लगता, और आगे कभी उसके साथ कोई सुलह नहीं हो सकती। सारे रिश्ते चल मेरे साथ। क्या हुआ, इतना शोर कैसा? शंकर के बाप ने खुदकुशी कर ली, गली में फंदा डाल के खिड़की से झूल गया वो। क्या? जिन्हें जान दे दी अपनी? हमारा छोरा भी बड़ा हो रहा है, यहाँ से निकलकर सबसे पहला काम उसके ब्याह का करना है रतन सिंह। अरे तेरे बताए हुए रास्ते पे तो चल रहा हूँ। अगर तूने शराफत की जिंदगी जी होती और कानून का डर तेरे दिल में होता ना, तो आज तू यहाँ खड़ा नहीं होता, और ना मैं। मुझे कोसने के बजाय अपने आप को देख, मेरी इस हालत का जिम्मेदार तू है बापू, तू। देखा, देख लिया तूने, थारा बाप था ये, और थारी वजह से इसे अपनी जान देनी पड़ी। इतना जहर उगला कि मर गया ये। वो मेरे लिए जिंदा ही कब था? मेरा बापू मेरे लिए मर चुका है। ये बादाम का हलवा बना है मनु के लिए, उसे बहुत पसंद है ना। मैं चाय बना रही हूँ, आप जाकर गंगा को दे दीजिए, वो सामान में रख देगी मनु के। मणि नागे सुमित्रा, हमारे बस का भी ना है। मासा समझ नहीं आ रहा मैं मनु के सामने कैसे जाऊं। हिम्मत तुम्हारी भी ना होवे, लेकिन बस यही वक्त बचो है अब। हो सके तो जी भर के देख ले छोरे को, उसके बाद तो दिखाई ना देवे को, तब कैसे संभालेगी अपने आप को। Thank you.
नंदकिशोर कहाँ जावे तू उस वक्त? उन लोगों को रोकने, ऐसे कैसे लेकर जाएंगे मेरे मन्नू को? मन्नू कहीं नहीं जाएगा, उन्हें बाहर से ही मार मार के भेज दूंगा। वो जैसे भी है तुझसे बड़े है ना, अपने से बड़ों को कोई मारता है भला? तू मेरा इतना समझदार बच्चा, हमारे पोते को तैयार कर दिया ना हमें सौंपने के लिए? हाँ तैयार है वो, कब लेने आ रहे हो उसे? हम नहीं आ रहे डॉक्टर, तुम्हें आना पड़ेगा। वो क्या है कि रतन की इच्छा है कि मन्नू को उसके सामने हमें सौंपा जाए, इसलिए तुम तुरंत आ जाओ जेल। ये कौन सी नई चाल है रतन सिंह की, मन्नू को जेल में बुलाने का क्या मतलब है? अरे भाई तुम्हें मन्नू को हमें सौंपना है बस, चाहे घर में सौंपो चाहे जेल में, जल्दी पहुंच जाना, हम वहीं पहुंच रहे हैं। रतन सिंह चाहता है कि जेल में उसकी आंखों के सामने मनु को उसके दादा दादी के हवाले किया जाए। मनु के जाने का समय हो गया, संतान माँ के वो अरमान होते हैं जिन्हें वो रक्त पिलाकर पालती है, उससे बिछड़ने की कल्पना ही उसे मर्मांतक पीड़ा पहुंचाती है। कोई सांत्वना मन में छिपे हाहाकार की थाह नहीं ले सकती।